हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमा चौहान ब्लॉग्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 8, तो अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने जो है वो दाल रख दी है बॉईल करने के लिए, और यहाँ पे रखा हुआ है दूध। ये देखिए, देख सकते हैं आप, दूध रखा हुआ है मैंने बॉईल करने के लिए। और अनाया भी जो है वो उठ गई है, तो अभी उसको देंगे हम दूध पीने के लिए। तो अभी जो है ब्रेकफास्ट भी वो मैंने बना दिया है, हमें ब्रेकफास्ट में बनाए हमें आज मूली के परांठे। तो अभी जो है हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, तो मिलेंगे हम अभी ब्रेकफास्ट के बाद। अभी साफ़ सफाई भी कर लेते हैं, तो अभी रूम की सफाई वगैरह भी करनी है, बहुत सारे काम है, तो अभी मिलूंगी मैं आपको थोड़ी देर में। तो अभी के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, सो गाइस आप देख सकते हैं अभी जो है दिन के बज रहे हैं 3 अभी बजने वाले हैं। तो अभी जो है अभी मैं जाके फ्री हुई हूँ यहाँ पे बर्तन वगैरह धो के। तो अभी जो है यहाँ पे मैंने जो है सरसों का साग जो मैंने लाया था, तो उसको आज मैंने धोया है। ये हमने जो है बाजार से लाया था तो कल, तो इसको अभी धो के अभी रखा है यहाँ पे। तो अभी जो है इसको अभी काट लेते हैं, तो फिर अभी अनाया भी सोई हुई है, तो फिर वो बाद में, आपको पता ही है बच्चों के साथ कितनी मुश्किल होती है। तो अभी इसको जो है काट लेते हैं, फिर उसके बाद अनाया भी उठ जाएगी तो वो फिर काटने नहीं देगी। तो अभी जो है इसको काटते हैं, तो चलो चलते हैं। अभी उठा लेती हूँ मैं इसको। इसको जो है मुझे काटना पड़ेगा छुरी के साथ ही, इसके साथ ही काटना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे जो है जिसे हम दराटी बोलते हैं, तो वो तो हमारे पास है नहीं यहाँ पे, तो करके फिर इसी से ही काटना पड़ेगा हमें। तो अभी चलते हैं इसको काटते हैं। तो अभी इसको भी ले जाते हैं हम बाहर। तो गाइज अभी काट लेते हैं साग, तो साग मुझे छुरी के साथ ही काटना पड़ेगा। तो देखिए मुझे, मैं तो ऐसे ही काटती हूँ अभी घर में, तो मैं जो दराटी होती है उसके साथ ही काटती हूँ, पर अभी यहाँ पे तो मुझे इसके साथ ही काटना पड़ रहा है। पर इसके साथ भी इजीली है काटना, मतलब ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है बस, और कुछ नहीं है, बाकी तो ठीक है। तो अभी काट लेते हैं इसको अच्छी तरह से बारीक, जितना बारीक काटेंगे तो उतना ही अच्छा होता है, अच्छी तरह से जो है साग जो है वो घुल जाता है। तो अभी इसको काट के फिर अभी इसको रख देंगे फिर बॉईल करने के लिए, तो फिर शाम के लिए थोड़ा इजीली हो जाता है काम वगैरह करना। तो शाम को फिर तड़का वगैरह ही लगाएंगे, तो फिर तड़का लगा के फिर चपाती बनाएंगे। हम तो चपाती के साथ खाते हैं, कई लोग मक्की के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं इसको खाना, साग को। तो बट मक्की का जो आटा है यहाँ पे है नहीं, तो अभी हमें तो ये चपाती के साथ ही खाना पड़ेगा। तो अभी देख सकते हैं आप, देखिए मैंने काट दिया इसको, तो बस ऐसे ही मैं अब सारा ये काटूंगी इसको। ये देखिए अभी और डाल देते हैं इसमें, तो अभी इसको भी काट लेते हैं। पहले इसको थोड़ा मोटा मोटा काटेंगे, फिर बाद में इसको बारीक करेंगे हम। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा गाइस कि आप जो है कैसे काटते हैं सरसों का साग। एक तो मशीन भी मिलती है इसकी, तो सरसों के साग की। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जो साग है वो मैंने काट दिया है यहाँ पे, तो अभी इसको रख देंगे हम बॉईल करने के लिए। तो इसको पका देंगे अच्छे से, तो अभी मैं इसको रख देती हूँ, तब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, तो गाइस अभी जा रहे हैं हम यहाँ नीचे क्वार्टर में, किसी और के क्वार्टर में जा रहे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने बुलाया था अभी कॉल करके, तो अभी वहाँ पे जाएंगे हम। तो अभी मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो अभी
अनाया भी जो है वो उठने वाली है, देखिए उठ ही रही है अनाया भी, तो इसको मैं साथ लेके जाऊंगी। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में आपको वहाँ पे जाके। तो अभी के लिए बाय बाय। तो गाइज़ अभी पहुंच गए हैं हम यहाँ पे, देखिए अनाया जो है वो पीछे रह गई थी, तो कैसे आ रही है धीरे धीरे करके, अभी देखेगी इधर उधर। यहाँ पे बच्चे खड़े हुए थे इस साइड को, तो उनको देख रही थी यहाँ पे, तो देखिए अब कैसे आ रही है। देखो सीधे ही अंदर चल पड़ी थी उनके ही रूम में, पर वो तो बाहर बैठे हुए हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पे बन रहा है मुरब्बा जो खट्टे से बनता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो मटेरियल है वो उन्होंने पहले ही तैयार कर दिया था यहाँ पे जब तक मैं पहुँची। तो अभी ये खट्टा जो है काट काट के इसमें डाल रहे हैं, तो फिर इसको जो है अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और उसके बाद जो है मतलब खाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, एकदम ना ऐसे मुँह में पानी जैसा आ जाता है इसको खाने से। अभी देख सकते हैं आप मुंह में पानी आ गया इसको देखते ही। तो अभी जो है ये बन रहा है, फिर उसके बाद टेस्ट करेंगे कि कैसा बना हुआ है, तो आपको भी बताएंगे। तो यहाँ का इधर का व्यू देख सकते हैं आप, यहाँ पे अनाया खड़ी हुई है, ये भी देख रही थी यहाँ पे, देख सकते हैं आप। तो गाइस अभी जो खट्टा है वो सारा जो है काट दिया है, तो अभी करेंगे ये मिक्स कर रहे हैं इसको, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे फिर उसके बाद खाएंगे हम। ये देखिए अभी दे रहे हैं सबको। तो गाइस खट्टा हो गया है रेडी, तो अभी दे रहे हैं सबको, तो आ जाओ आप सभी खाने के लिए। तो अभी हम भी खा लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कैसा बना हुआ है, अच्छा ही बना होगा। तो गाइस खट्टा खा के थोड़ी देर के लिए बैठते हैं। हाँ खराब हो रहा है, चुप रहा निकल जाना सारा ही। लगी नाइयों को लगी लगी। तो गाइस अभी आ गए हैं हम वापस, देख सकते हैं आप अभी हम रूम में आ गए हैं। तो अभी जो है जो साग था उसको रख लेते हैं अभी बॉयल करने के लिए। तो पहले मैंने वो रखा नहीं था, उसी टाइम उनको फ़ोन आ गया था तो हम नीचे चले गए थे। तो अभी जो है बॉयल करने के लिए उसको रख देते हैं साग को। तो अभी क्या वीडियो मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर आपको हमारी वीडियो जो है अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। और उसमें कोई भी अगर ऐसे कोई भी गलती है या कोई वीडियो में कोई भी करेक्शन करनी है तो आप उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।